नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। जिनको नहीं पता है, बेसिकली हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको हमारे प्राइवेट क्लास का लिंक चाहिए तो मेक श्योर आप हमें मैसेज कर देना ताकि मैं आपको अपने प्राइवेट क्लास के लिंक दे सकूं। मैसेज में आप हाय हेलो ना करते हुए जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको शेयर करने के बाद आप मुझे टैग कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट मैसेज कर सकते हो। तो उसे एक अपडेट बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे पैनी स्टॉक के ऊपर वीडियोज बनाता हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग नीचे कॉमेंट करते हो, तो मैं सभी स्टॉक्स का सेपरेट वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है? क्योंकि मैं सेपरेट वीडियो तभी बनाता हूँ जब मुझे स्टॉक में या तो पोटेंशियल दिखे या मुझे लगे कि मुझे बनाना चाहिए, ठीक है? तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने 5 से 10 स्टॉक के बारे में बात करी है। तो जिन लोगों ने भी ये स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, जो अभी आपको लिस्ट दिख जाएगी, अपना भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कर लेना और ध्यान रखना, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें मैं मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करता हूँ। तो अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया है मेरे कहने पर, ठीक है, वैसे मैं इसकी सलाह नहीं देता हूँ, तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी वीडियोस देखकर कि भैया लेटेस्ट अपडेट क्या निकल रहा है। अगर आपको समझ नहीं है प्राइस एक्शन के बारे में, मूविंग एवरेजेस के बारे में कि कौन सा मूविंग एवरेज अप्लाई करना है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, मार्केट के सेंटीमेंट कैसे है, नहीं समझ है तो ये वीडियोस को देख लिया करो जो एक मल्टीपल स्टॉक के ऊपर बात करता हूँ। और बाकी अगर आपको अपने स्टॉक के ऊपर जानना है नीचे कॉमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है? इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं मिल सकती कि आपके मैं वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है? तो कमेंट करना और बाकी लाइक पक्का करना। तो अब बात करते हैं BEPL शेयर के बारे में, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। तो ये पैनी स्टॉक है, पैनी स्टॉक नहीं मतलब अच्छा खासा स्टॉक है, 151 रुपये, 150 रुपये की मेरी खुद की स्टॉक में बाइंग है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट कहाँ तक गया था, 200 रुपये तक गया था, स्टॉक द्वारा नीचे आ चुका है। अब आता है क्वेश्चन की स्टॉक में क्या करें। तो देखो इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस आई थिंक हिट हुआ नहीं हुआ अभी देख लेते हैं, मेरे हिसाब से हिट हो गया है शायद, ठीक है? फिर भी एक बार देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल, ठीक है? तो जैसे आपको पता चल रहा है कंपनी का जो काम काज है पेट्रोकेमिकल बिजनेस में है, ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक है, मतलब कंपनी में कर्जा नहीं है। अब कंपनी के 5 सालों के प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, 82% CAGR है लास्ट 5 सालों में। बाकी नंबर्स कंपनी के देखो थोड़े डाउन आए, लास्ट क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन थी और ईयरली में आप देखो कंपनी के नंबर्स ठीक आए, बढ़ रहे लगातार। बाकी बैलेंस शीट देखो, डेट कंपनी के ऊपर 1 रुपये का नहीं है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 56% थी, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 41% थी। ये स्टॉक है, मुझे सिर्फ एक ही बात की अच्छी लगती थी, वो क्या थी, यहाँ जो प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग अच्छी है, लेकिन ना जो रिटेल का पैसा है ना वो भी काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब 30 से 32% के आसपास का इसमें पैसा लगा था रिटेल का। ये बात मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी बोली थी, जिस स्टॉक में रिटेल का पैसा होता है ना वो स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चलता है क्योंकि अंत में रिटेल का पैसा ही खराब किया करवाया जाता है, जिस आप सभी को पता है, ठीक है? तो जब भी मैं कुछ बातें बोलता हूँ तो उसको थोड़ा क्लोजली सुना करो क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5 लाख+ शेयर लोग घर लेके गए, तो यहाँ पर आपकी 54% की डिलीवरी उठाई गई है, ठीक है? अब बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक सेम रजिस्ट्रेशन लेके नीचे गिरा है, ठीक है? जो रजिस्ट्रेशन का होता है सेम रजिस्ट्रेशन लेके नीचे गिरा है, ठीक है? और करंटली स्टॉक देख सकते हो हमारा जो बाइंग प्राइस था हमारा स्टॉप लॉस उसके आसपास ही खड़ा है। हमारा स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है 118 रुपये के आसपास लगा सकती हो, ठीक है? या फिर 122 रुपये लगा सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा अगर आपके पास स्टॉक है तो 118 का स्ट्रांगली स्टॉप लॉस फॉलो कर लेना, ठीक है? जब तक 118 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आप स्टॉक को कैरी करो, 118 जैसे टूटेगा आप स्टॉक से बिना सोच समझे एग्जिट मार देना, ठीक है? यही मेरा व्यू स्टॉक के बारे में। मैंने खुद अभी तक स्टॉक को होल्ड करा, मैंने बेचा नहीं है, ठीक है? स्टॉक को मैं 118 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ कैरी करने वाला हूँ, ठीक है? बाकी बढ़ते हैं हमारे कुछ अदर स्टॉक की तरफ, जैसे कि तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस स्टॉक के बारे में अब लगातार क्वेश्चन पूछते हैं, तो एटलस ज्वेलरी के बारे में, इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 99% ऐसे आप कमेंट करते हो। तो भाई मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है स्टॉक में 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो अगर आपने स्टॉक को बाय किया है। फर्स्ट टाइम जब आपको सजेस्ट किया था यहाँ हमने बाय किया था और एक अच्छा रिटर्न आया था हमें, ठीक है? अब स्टॉक लगा नीचे गिर रहा है तो उसका ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है नेगेटिव की तरफ, लेकिन आपको 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना, जो पहले स्टॉप लॉस था वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं हमारे कुछ अदर स्टॉक की तरफ, जैसे कि वर्चुअल ग्लोबल। तो वर्चुअल ग्लोबल के बारे में आपको बोल चुका हूँ भाई, ये स्टॉक अच्छा लगता है, सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है, यहाँ स्टॉक को आप बाय कर सकते हो और अगर चाहो तो स्टॉप लगा सकते हो 52 पैसे का, ठीक है? ये जो रेंज है इसका डबल आप वेट करोगे टारगेट का,
ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट। अब आप बोलोगे सर पेनी स्टॉक में हम ट्रेडिंग कैसे करें, तो भाई मैंने आपको बोला नहीं कि आप पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग करो, ठीक है, पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग का मतलब क्या, आप थोड़ा गलत समझते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर ये स्टॉक अगर आप 3 महीने तक होल्ड करोगे और आपको अगर अच्छा खासा रिटर्न आ गया 100-200% का, तो कम है क्या, वो बहुत अच्छी रिटर्न है। और 3 महीने बहुत छोटा टाइम होता है। लोग पता क्या करते हैं, स्टॉक्स के फ्यूचर को ना कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मतलब मान के चलो अगर इस महीने उन्हें रिलायंस के स्टॉक में लॉस हो गया, तो वो अगले महीने का फ्यूचर कैरी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ रोल ओवर चलता है, ठीक है, वो एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ रोल ओवर ही बोलते हैं, ठीक है, फ्यूचर को रोल ओवर कर लेते हैं, समझ के। अगर उनको लगातार 3 महीने लॉस हो गया, तो वो 4th महीने में रोल ओवर कर लेते हैं, उनके पास पैसा इतना पड़ा हुआ है। तो भाई 3-3, 4-4, 6-6 महीने वो रोल ओवर करते हैं फ्यूचर को, और 8 महीने लॉस खाने के बाद 9वें महीने प्रॉफिट करते हैं। भाई मैं तो आपको 3 महीने की बात कर रहा हूँ, 3 महीने का मतलब छोटा टाइम है, कैरी कर लो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है, मैं कुछ स्टॉक को बाय करूंगा, लेकिन स्टॉप को आपको मैंने बता दिया, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल का जीरो ध्यान रखना, ठीक है, फाइनेंशियल देख के बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ पैटर्न को देख के मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो आप लोगों के लगातार क्वेश्चन इस बल्लभपुर शेयर के बारे में आते थे, बल्लभपुर बोल लो, बल्ला बोल लो, ठीक है। तो ये जो स्टॉक था आई थिंक 1 रुपए के आसपास सजेस्ट किया था, और ये देखो ये स्टॉक रिकमेंड क्यों किया गया था, सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा था, सपोर्ट एरिया के आसपास खड़े होने का स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट स्टॉक देखो कहाँ तक जा सकता है, 2 रुपए तक स्टॉक मैक्स जा सकता है, ठीक है। अगर आपके पास ये स्टॉक है, इनकेस है, तो 2 रुपए तक ये मैक्स जा सकता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना जिनको करना है, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे कुछ और स्टॉक के अंदर, जैसे आप जॉनसन फार्मा करके स्टॉक है ना, उसके बारे में पूछते रहते हो। तो देखो ये स्टॉक अभी क्या है, ऑल टाइम हाई के आस पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप प्राइस चार्ट दिख जाए तो मुझे देख सकते हो, जॉनसन फार्मा भी ऑल टाइम के हाई के आस पर ट्रेड कर रहा है। तो यार यही बोलूंगा, अगर यहाँ पर आप बाय कर रहे हो, देखो इनकेस अगर कर रहे हो, रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर कर लिया है आपने तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो बस, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते तो 1 रुपए के आसपास एवरेज कर लेना, इतना कुछ खास कंपनी है नहीं, ठीक है, पंप आ रहा है तो आने दो भाई, ठीक है। तो जो चीज़ें बोली उसको फॉलो कर लेना बस। तो यार दोस्तों MTN शेयर के बारे में लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से स्टॉक अपने 40 रुपये का हाई टेस्ट कर सकता है। अब आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ, देखो ये अच्छी खासी रेंज बनी, स्टॉक एक रेंज बनाने के बाद दोबारा ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट एरिया बनता है स्टॉक का, और स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। तो ये स्टॉक का सपोर्ट एरिया ले रहा है 25-26 रुपए के आसपास, तो 25-26 के आसपास बाय कर सकते हो स्टॉक को, ठीक है। चाहो तो शॉर्ट टर्म स्टॉप लगा सकते हो, ये वाला जो निकल के आता है 21 और 22 रुपए के आसपास का, ठीक है, 21 रुपए के आसपास का आप लॉन्ग टर्म स्टॉप लगा सकते हो, ठीक है, 21 रुपए के आसपास का आप लॉन्ग टर्म स्टॉप स्टॉक में लगा सकते हो, ठीक है। जब तक ये 20 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है आप कैरी करो स्टॉक को, कोई दिक्कत नहीं मुझे नजर आती, लेकिन स्टॉक को प्लीज फॉलो कर लेना, ठीक है। अपर साइड जो टारगेट रहना चाहिए, देखो यार ये रजिस्ट्रेशन एरिया स्टॉक का पूरा क्योंकि स्टॉक गिरा है, ठीक है, तो ये स्टॉक का रजिस्ट्रेशन बनता है 31-30, जो भी ये प्राइस है सब रजिस्ट्रेंस है, ठीक है। तो उम्मीद मत रखना कि स्टॉक ज्यादा बड़ा टारगेट दिखाएगा, लेकिन हाँ ये है कि आप 20 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करो, ठीक है। अगर वो फॉलो करोगे तो आपका जो पैसा है ज्यादा ट्रैप होने से बच सकता है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है एक बार तो आप दोबारा स्टॉक को बाय करना 27 रुपए के आसपास, समझ आ गया। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी है MTNL शेयर के चार्ट में, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते, और जो भी आपके क्वेश्चन थे मैंने पुट ऑन ले लिए, बाकी मिलते अगली क्लास।